हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू about चैनल सो S B Statistical assistant. सो so हमने हमारा एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन कर लिया था ठीक है अगर आप playlist में जाकर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा हमने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट किया हुआ है तो उसमें हमारा क्या है उसके बेस्ड हमने questions प्रैक्टिस करने हैं कि क्या क्या आपके questions हैं जो पूछे गए हैं सो so let's स्टार्ट हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's क्लास फर्स्ट क्वेश्चन इज इज कॉल्ड तो ये हमारा क्या होता है? Attribute, तो है हम वो हैं वो किस चीजों के दिए जाते हैं जो क्वालिटेटिव डेटा होता है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ एन एट्रीब्यूट ये आपको याद होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी डेक्टोमनी ये हमने पढ़ा था कि जब दो डेटा दो क्लासेस के एट्रीब्यूट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ तो का, का अगर आपके पास कोई एट्रीब्यूट दिया हो तो उसको मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ठीक है तो हम नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा लेवल अप करेंगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्वायर टेस्ट इसको हम चाय स्क्वायर बोलते हैं ठीक है मैंने आपको कराया था ये चाय होता है शुड नॉट बी इफ एनी एक्सपेक्टेड इज लेस देन अगर किसी की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी लेस देन फाइव होगी तो हम चाय स्क्वायर को यूज नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है द टोटल ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसी एन इज एन ऑफ ऑर्डर आपका क्या ऑर्डर होता है ये ऑर्डर होता है आपका जीरो ऑप्शन नंबर ए इन केस ऑफ कंसिस्टेंट डेटा नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी आपका जब डेटा कैसा हो कंसिस्टेंट हो ठीक है उसमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो तो कोई भी क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी क्या नहीं होगी नेगेटिव नहीं हो ठीक है सब पॉजिटिव डेटा होगा नेगेटिव डेटा नहीं होगा नेक्स्ट इज सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद टू एट्रीब्यूट ए एंड बी टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रिक्वेंसी तो आप पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर क्लास अगर आप देख प्रीवियस क्लास देखेंगे एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी तो आपको पता चलेगा कि इसका मैंने आपको वहां फॉर्मूला कराया हुआ है दैट इज टू एन एन होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट तो हमारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है इसमें टू तो टू इंटू में टू आपका फोर आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है ये आपका क्वेश्चन अभी रिपीट होगा ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ एसोसिएशन वी कैन कैलकुलेट कैलकुलेटिशंट ऑफ एसोसिएशन जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं तो इसकी वैल्यू लाई like करती है आपकी पॉजिटिव वन से नेगेटिव वन ये आपके योले ने जो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के फॉर्मुला दिया था उसने यहाँ पे रेंजेस बताई थी कि डिफरेंट डिफरेंट रेंज पे कैसी कैसी फ्रिक्वेंसीज आती हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पे पेस्ड है कि अगर आपका ए बी फ्रिक्वेंसी जीरो होगी दैट मीनस आपका क्यू क्या होगा माइनस वन ये सिचुएशन में आपका क्या होता है एल्फा बीटा भी इक्वल होते हैं जीरो पी. तो आपका क्वेश्चन ये दो तरीके से बन सकता है कही तो आपको दे दिया होगा वो फ्रिक्वेंसी ऑफ ए बी जीरो या फिर दे दिया होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्फा बीटा जीरो तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा माइनस वन ठीक है इसका मतलब क्या है कैसी रिलेशन है यहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन जैसे हमने को रिलेशन में परफेक्ट को रिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन पढ़ाता है ऐसे ही ये क्या है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव को बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फ्रिक्वेंसी एल्फा बी इक्वल्स टू जीरो जब आपका एल्फा और बी ये जीरो हो या फिर आपका ए एंड बीटा इनकी फ्रीक्वेंसी जीरो इस केस में आपका कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन क्या होगा इसमें गलत ऑप्शन लग गया है इसका करेक्ट ऑप्शन है पॉजिटिव वन दैट इज आपका क्या है ये परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन जब आपकी परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन आती है तो उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ आपका एट्रीब्यूट ए और बीटा तो जीरो होगा या फिर अल्फा और बी की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो उस केस में आपका कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन पॉजिटिव वन आएगा दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू एट्रीब्यूट क्लास फ्रीक्वेंसी ए बी ठीक है आपका मल्टीप्लाई में अल्फा और बी अल्फा एंड बी आ रहा है ठीक है या फिर आप इसको लिख सकते हैं ये आपका ये दोनों ये सब इक्वल है जीरो के तो ये सिचुएशन होती है आपकी जीरो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन आपका इस केस में आएगा जीरो ठीक है आपका इक्वल टू एल्फा इंटू में बी इक्वल टू जीरो आता है तो ये आपका होता है कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन इस केस में आपकी होती है जीरो सो so नेक्स्ट है आपका इफ इफ फॉर टू एट्रीब्यूट द क्लास फ्रिक्वेंसी आपका ए बी एल्फा बीटा ए बीटा एल्फा बी ये सब क्या हो अगर ये सारा कुछ क्या है आपका इस केस में क्या होगा सारा कुछ क्या होगा जीरो के इक्वल आएगा मतलब इस केस में आपका क्यू क्या आएगा जीरो आएगा जब आपका क्या हो रहा है ए बी मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा के साथ इक्वल्स टू ए बीटा ए की फ्रिक मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है बीटा के साथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा और बी इस केस में आपका कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन आना है जीरो ठीक है जब इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई दोनों इक्वल आ जाए तो आपका कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इस केस में हो जाएगा जीरो तो हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है इफ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज क्या कह रहे हैं अगर दो ए और बी तो तो आपको पता है है कोई association ही नहीं है, तो answer इसका zero होगा सी आपका ए बी की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा से इक्वल होगा ए की और बीटा की फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई में अल्फा और बी की फ्रिक्वेंसी तो मैंने क्या बताया था इस केस में आपका क्यू क्या होता है जीरो होता है दैट इज नो एसोसिएशन बिटवीन दी टू एट्रीब्यूट इसका मतलब ये ए और बी कैसे एट्रीब्यूट हैं इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट हैं ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही रिलेट करें क्या कह रहा है इफ ए बी की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर आती है ए बीटा मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा तो ये होता है आपका पॉजिटिवली एसोसिएटेड आप अगर क्लास को चेक करोगे तो मैंने आपको ये कराया हुआ था कब हम पॉजिटिव एसोसिएशन बोलते हैं अगर ये लेस देन होता तो ये नेगेटिव एसोसिएशन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि जब ए बी की फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा की फ्रिक्वेंसी लेस देन होती है आपके ए बीटा की फ्रिक्वेंसी और अल्फा बी की फ्रिक्वेंसी तो ये आपकी एसोसिएशन कैसी होती है नेगेटिवली एसोसिएट तो ए बी इस केस में क्या है नेगेटिवली एसोसिएट तो ये सारे क्वेश्चन थे आपकी की आपका कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन माइनस वन से पॉजिटिव वन तक लाए करता है और किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे दो एट्रीब्यूट एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं क्या क्या वैल्यूज आती है उस पर भी क्वेश्चन है तो पहले आपने अगर क्लासेस नहीं देखी है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट की उनको देखें फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें नेक्स्ट हम फर्दर इसके क्वेश्चन कल अपलोड करेंगे सो आई होप यू गैस लाइक दिस सेशन सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाय बाय